हेलो माय डियर फैमिली, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शेनजाओ अपना टीथ ब्रश कर रहा होता है, तो वो वहां पर ही गाजिन आती है और उसने उसके लिए भी ब्रश पर पेस्ट लगा के रखा होता है। ये दोनों अब ब्रश करने लग जाते हैं और उसके बाद शेनजाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर जाकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो वो बाहर जाके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लग जाता है, तो जैसे ही गाजिन आती है वो उसको सीट देता है और उसको बिठाता है और उसके सर पे हाथ रखने लगता है, लेकिन वो सर साइड पे कर देती है। तभी फिर वो मुस्कुराकर बैठता है और कहता है कि बहुत दिन गुजर चुके हैं, तुम्हें ये सब कुछ भुला देना चाहिए और अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करो। तभी वो कहती है कि जरूरी नहीं है कि जो कुछ तुमने किया है मैं बहुत जल्द वो सब भुला दूं। तभी फिर वो जाने के लिए उठता है और पीछे मुड़कर उसको कहता है कि मैं तुम्हें चेंज होकर दिखाऊंगा, और वो चला जाता है। तभी वो उसको देखकर दिल में सोचने लग जाती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं ये सब कुछ बहुत जल्द भुला दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हो इसकी मुस्कुराहट के पीछे। और क्या अब हमारी जिंदगी सही ट्रैक पर चल पाएगी? तो वहां पर ही दिखाते हैं इसको यांगजी की कॉल आती है और वो उसको कंपनी से रेलेवेंट कुछ बात बताने लग जाता है। तभी वो पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो फिर वो उसे कहता है कि सच बताओ, तुम्हें शेनजाओ ने फिर से तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? तो वो उसे कहती कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो उसे कहता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मेरी और मदद की जरूरत है, क्या मैं इन सब में इन्वॉल्व रहूं? तभी फिर वो उसको मना कर देती कि नहीं, तुम्हें अब और इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ पहले भी किया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी मर्जी से ही किया है। तो वो उसे कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है, आज से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तभी फिर गाजिन उसको हेलो हेलो भी कर रही होती है, लेकिन वो मुस्कुरा के फोन रख देता है। अब सब ग्वान कंपनी में मीटिंग में बैठे होते हैं और वहां पर यही बताया जा रहा होता है कि गाजिन ने किसी के डिजाइंस चोरी किए हैं। अब यही चीज को डिस्कशन चल रही होती है और एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, उसी ने ये चीज का दावा किया है। अब यही डिस्कशन चला जा रहा होता है तो पीछे से शेनजाओ आता है और कहता है कि मैंने असिस्टेंट से कह लिया है कि इस चीज की तफ्तीश करे और वैसे भी हम उस कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढ के रहेंगे। तभी फिर वो कहता है कि जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है मेरे दौरान में ही ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसको सॉल्व भी मैं ही करूंगा। तो दिखाते हैं कि इन सबके मोबाइल पर एक पिक आती है और वो पिक होती है गाजिन और यांगजी की। वहां पर ये सब लोग देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों का अफेयर है और वहां पर ही गाजिन भी वो पिक देख लेती है। अब वो चुप होकर बाहर निकल रही होती है तो जितना भी स्टाफ वहां बैठा होता है सब वहां गॉसिप करने लग जाते हैं कि इसका अफेयर है। तो पीछे से शेनजाओ आकर उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो कहती है कि इसकी नींद नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो गैरेज में वो उसको सी ऑफ करता है और वापस जाने लगता है। तो वहां पर ही जुजिन आती है और भाग कर आकर कहती है कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर तो चल रहा है, अब तो वापस मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकती हूँ। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, बेशक उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन हम दोनों वाइफ और हस्बैंड ने यही डिसाइड किया है कि हम दूरियों को मिटाएंगे और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज के बाद अपनी गंदा चेहरा मेरे सामने मत लेकर आना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो उसको जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जो भी कुछ हो जाए मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। और वहां पर ही दिखाते हैं कि एक लड़की इनकी वीडियो भी छुपके बना रही होती है और वो वहां से चली जाती है। अब गाजिन कार में जा रही होती है और वहां पर ही वो सोच रही होती है कि इनकी कंपनी की रेपुटेशन कितनी खराब हो रही है और मीटिंग में किस किस तरह की बातें की जा रही थी कि अदर पार्टीज इनके साथ काम करने से इनकार कर रही है और लेटर्स भेज रही है मुआवजे के लिए। तो वहां पर ही वो एक नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि हमारी कंपनी का रियल ड्राफ्ट पता करने की कोशिश करो और उस ग्रेजुएटेड लड़के की वेबसाइट भी जाने की कोशिश करो जहां उसने पहली वीडियो अपलोड की थी। तो वहां पर ही वो ये भी सोचती है कि जब इसकी पिक लीक होती है तो सब लोग इसको किस नजर से देख रहे होते हैं। ये सारी चीजें सोचकर बहुत सी उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि सामने से एक ट्रॉली आ रही होती है तो वहां पर ही ये चिल्लाने लग जाती है। तो उसके तुरंत बाद दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल बैठी होती है, वहां पर ही इसके सामने इसकी मेडिकल रिपोर्ट रखी जाती है और डॉक्टर बताती है इसको एक बीमारी के बारे में और यही कहती है कि इस तरह से आपका ब्लड शुगर पे भी इफेक्ट होगा और ये भी वजह हो सकती है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं और जिसकी वजह से आपको प्रेशर हो रहा है। अब वो मेडिकल रिपोर्ट लेके जाने के बाद थोड़ा सा होती है सोच में कि आखिर उसकी तबीयत खराब क्यों हो रही है। तो जैसे ही वो घर आती है तो शेनजाओ ने उसके लिए एक मील रेडी की होती है तो वो बनाकर टेबल पर रखता है। तो वहां पर ये कंपनी से रेलेवेंट से क्वेश्चन करती है तो वो उसका आंसर उसको करने लग जाता है। तो वहीं वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारा मील लेना चाहूंगी, तो उसे कहता है श्योर। तो वो उसका पोर्शन लेकर सामने रखती है और दिखाते हैं कि शेनजाओ उसका पोर्शन खाने लगता है और वो उसको शक भरी नजरों से देख रही होती है। अब शेनजाओ कंपनी जाता है और वहां पर ही क्लाइंट्स इसको बताने लग जाते हैं कि हमारी कंपनी के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं और अदर पार्टीज हमारे साथ काम करने को भी रेडी हो गई है। और वहीं वो शेनजाओ की सब तारीफ भी करते हैं और उनका थैंक्स करते हैं कि आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गाजिन वही वीडियो देख रही होती है कि गैरेज में
जो जिन किस तरह से शेंजाओ के पास आकर उसने इसके साथ क्या क्या बातें की होती हैं, तो ये सारी वीडियो देख रही होती है। अब रात के टाइम दिखाते हैं कि शेंजाओ आता है और गाजिन के सामने दूध रखता है और इसे कहता है पी लेना, और वहां पर ही वो खुद जाकर टीथ ब्रश करने लग जाता है और अंदर से देख भी रहा होता है कि ये दूध नहीं पी रही होती। तो वहां पर ये मिरर की तरफ देखकर मुस्कुराता है और इसके ब्रश पर पेस्ट लगाकर बाहर निकलता है। तो दिखाते हैं कि गुआजिन अपना डिटॉक्स वाटर देख रही होती है जो कि शेंजाओ ने बनाया होता है और उसे शक भरी नजरों से देख रही होती है। तो वहां पर ही वो आता है, उस डिटॉक्स वाटर का पहला घूंट पीता है और इसे कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना रहे तो तुम जल्दी सो जाना, मैं थोड़ा सा वॉक के लिए जा रहा हूं। तो वो वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि गुआजिन जाकर ब्रश करने लग जाती है और वहां पर ही जैसे वो ब्रश कर रही होती है तो उसको ब्रश करते करते भी डाउट होता है कि ये इस तरह से पेस्ट क्यों लगा के रखता है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शेंजाओ कार में होता है और गुआजिन को फूलों की बुके देता है। तो फिर वो उससे लेकर कहती है कि उस दिन मैंने थप्पड़ मारा था जोर से, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? तो उसे कहते हैं कि नहीं। तभी वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ रहना भी चाहते हो और तुमने मुझे एक्टिंग करने को क्यों कहा? तभी वो कहता है कि मैं हम दोनों के रिलेशन को लेकर सीरियस हूँ। तो फिर वो उसे पूछती है कि अच्छा फिर हमारे रिलेशन का नाम क्या है, कहीं तुम मेरे पास सिर्फ रेस्ट करने तो नहीं आते? तभी वो उसे कहते हैं कि ऐसा मत कहो, हमारे प्यार पर शक मत करो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि काम भी तो जरूरी है, तो मैं कंपनी को इस तरह से नहीं छोड़ सकता जब तक कि मैं चेयरमैन ना बन जाऊं। तभी फिर वो उसे कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी ज्यादा सख्त मेहनत करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। तभी वो कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे हार्ड वर्किंग करके भी कुछ फील नहीं होगा, और वहां पर ये दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी दिखाते हैं कि इसी तरह से शेंजाओ ब्रश कर रहा होता है और इसके लिए टीथ ब्रश पे पेस्ट लगा के रखा होता है। तो जैसे ही वो आती है तो आकर पहले अपनी स्किन रूटीन करने लग जाती है। तो शेंजाओ देखता है कि आखिर ये ब्रश क्यों नहीं करी, तो वो बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो गुआजिन वही टूथब्रश को उठाती है और एक शॉपर में पैक करके रख देती है। फिर दिखाते हैं कि गुआजिन और जूजिंग साथ होती है। तो जूजिंग कहती है कि कहो तुम्हें क्या कोई काम था? तभी वो इसे कहती है कि जो कुछ तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें दे दूंगी और जो मैं चाहती हूँ तुम मुझे वो दे दो। तो जूजिंग कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ? तभी वो इसे कहती है तुम तो शेंजाओ को चाहती हो, है ना? तभी फिर उसको बताने लग जाती है कि तुमने मेरी और यांगजी की पिक्स इसीलिए लीक की थी ना ताकि हमारी डाइवोर्स हो जाए। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं शेंजाओ को डाइवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन ये कंपनी मेरी है, जब तक शेंजाओ की लालच खत्म नहीं होती वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगा, तो वो सबको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तभी फिर जोजिन कहती है कि नहीं, वो मुझे स्पेशल ट्रीट करता है। तभी वो इसे कहती है कि ये तुम्हें नहीं लगता, दुनिया की हर एक औरत को लगता है जो प्यार में होती है उसे यही लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ वो इस्तेमाल कर रहा है, बहुत जल्द तुम्हें ये बात पता चल जाएगी। तभी फिर वो उसको बताती है कि उसने एक इवेंट इसीलिए ही अरेंज किया है ताकि उसे कुछ एविडेंस मिल सके और वो मेरी मदद कर सके, तो तुम उसके साथ रहोगी उसके लिए और तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि हम दोनों ने अपना रिश्ता कब से जुदा कर लिया था, तो मुझे नहीं पता वो क्या करता फिर रहा है। तो वहां पर गुआजिन उसे कहती है कि तुमने जो गैरेज में वो एक्टिंग की थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ? मुझे सब पता है कि तुम वो सब कुछ एक्टिंग के लिए कर रही थी, जब तक ये कंपनी मेरे नाम की है तब तक शेंजाओ को कुछ हासिल नहीं हो सकता और बहुत ही कम चांसेस है कि हमारे डाइवोर्स भी हो सके। हाँ, अगर तुम वो एविडेंस मुझे दे दो और शेंजाओ ये कंपनी छोड़ दे फिर तुम्हारे चांसेस फिर भी बन सकते हैं। तो वो उसको देखने लग जाती है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।